हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी है और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पीएम नरेंद्र मोदी अपने काउंटर पार्ट यानी कि अपने समकक्ष से मिलेंगे और वो अनवील करेंगे यूनिट वन ऑफ मैत्री पावर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखे मैत्री, याद रखिएगा मैत्री वर्ड जो इस्तेमाल होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। हम लोग बांग्लादेश के साथ बहुत सारे टाई करते हैं, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते हैं, चाहे वो रेलवे हो, स्पेस हो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो। हम लोग बांग्लादेश को और मजबूत बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बांग्लादेश को नया देश बनाया था अमेरिका पाकिस्तान से लड़कर, और उस समय याद रखिएगा उस समय हम लोगों की मदद रसिया ने करी थी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पीएम मोदी और उनके समकक्ष का नाम क्या है, शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की पीएम है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से आप जो है कुछ चीज़ें देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था। जी हाँ, यहाँ से देख लीजिए, हम लोग 7 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने साइन किया है, जो वाटर रिसोर्सेस हो, रेलवे हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, ये सब हम लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि बांग्लादेश और आगे बढ़ सके, हम लोग भी आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल COVID-19 यानी कि अब हम लोग नाक के द्वारा जो है कोविड वैक्सीन भी दे सकते हैं, जो कि COVID-19 की वैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने शुरुआत करी थी, इसे डिस्कवर किया था, नेजल के द्वारा देने की बात की गई थी। तो DCGI यानी कि ये जो हायर अथॉरिटी है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, गूगल से हो सके, जहां से मिल सके आप ज़रूर लिख लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि COVID-19 के कारण ये बहुत चर्चा में रहा है। DCGI ने जो है अप्रूव कर दिया कि इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है आप नेजल से भी जो है नाक के द्वारा भी जो है वैक्सीन दे सकते हो। तो आपको बताना है कि भारत बायोटेक किस देश के पहले, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, ये जो पहला वैक्सीन है DCGI अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि ये इंडिया का ही है, यानी कि हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ, इंडिया के साथ हम लोगों को जाना था। आगे बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूँ, नोबेल प्राइज़ की जो लिस्ट है और नेशनल अवार्ड, जो भी नए नए नेशनल अवार्ड और नोबेल प्राइज़ विनर के अनाउंसमेंट की गई है 2022-2020 के लिए, उसके नोट्स आज रात को आपको मिल जाएंगे। एक बार 11 बजे आप लोग सारे लोग जिन लोगों ने पेड कोर्सेस लिया है वो ज़रूर मैसेज कर लें, आप लोगों को इसके नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे। जिन लोगों ने नोट्स नहीं परचेस किया है उनके लिए बता दूँ, 399 रुपये में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। yourmithunsinghsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। एक और बात, 100 रुपये में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी परचेज कर सकते हो, जो कि आपके काम की है। जिन्होंने नोट्स खुद से तैयार किया है नोट्स मत खरीदिए, जिन्होंने तैयारी नहीं करी है बिल्कुल भी वो नोट्स ले सकते हैं, और जिन्होंने तैयारी कर ली है वो 100 रुपये में 100 जो क्वेश्चन पेपर हैं, एक्चुअली 100 नहीं कम है, वो ज़रूर आप ले लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज 6 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ PDRD ग्रांट। जो देखिए ये जो ग्रांट है ना, इसकी जो टोटल अमाउंट है वो है 7,183 करोड़ रुपीस, सितंबर में इसे जारी किया जाएगा। ये कितने स्टेट के लिए जारी किया जाएगा आपको ये बताना है, ये 15 स्टेट के लिए, 18 स्टेट के लिए, 10 स्टेट के लिए या 14 स्टेट के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, ये टोटल 14 स्टेट के लिए जो है ये ग्रांट को जो है जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आयरलैंड्स डेटा प्रोटेक्शन कमीशन फाइंस इंस्टाग्राम, यानी कि आयरलैंड की जो डेटा प्रोटेक्शन कमीशन है उसने इंस्टाग्राम पे फाइन लगाया है, जो कि बच्चे के डेटा को इन्होंने संभाल कर नहीं रखा, ये जो है पब्लिक डोमेन में या किसी कंपनी के हाथ लग गया है, इसके लिए इनको कितना जुर्माना लगाया गया है आपको ये बताना है। 153,402,349,842 मिलियन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 402 मिलियन जो है यूरोज, याद रखिए सॉरी डॉलर जो है इनके ऊपर जो है लगाया गया है। यहाँ से देख लीजिए, एक्चुअली मैं सही बोल रहा था, यूरोज ही होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको डॉलर नहीं, यहाँ पे यूरोज लिख देना। आयरलैंड यूरोपियन कंट्री है तो यूरो वहाँ पे चलता है, यानी कि अब इन्हें 405 मिलियन यूरो देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट टू किक ऑफ, यानी कि किक ऑफ का मतलब होता है शुरू होना। देखिए एक फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ से मिल गया होगा, किक ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना। तो कब ये शुरुआत होने वाला है, कहाँ पे होने वाला ये बताना है आपको, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या बेंगलुरु में। तो देखिए इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली ही होगा, यहाँ से देख लीजिए, दिल्ली में ये फुटबॉल कहाँ होगा,
और देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कभी कभी जीके में, सुब्रतो कब पूछ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा खेल से जो है रिलेटेबल है, वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इसके अलावा बास्केटबॉल भी दे दिया जाएगा, तो आपको चूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है, शिखर धवन, रोहित शर्मा, सुरेश रैना या ईशांत शर्मा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेश रैना, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही जो है रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन ये आईपीएल खेल रहे थे। अब देखिए T20 टेस्ट और ODI के अलावा IPL से भी लोग संन्यास लेते हैं, तो IPL से इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये अब आप ये IPL में नहीं आपको नजर आएंगे। कौन? सुरेश रैना। यहाँ से आप सुरेश रैना की फोटो भी देख सकते हो, इनको चेन्नई में प्यार से जो है ये चिन्ना थाला या बोला जाता है, चिन्ना मतलब छोटा कुछ होता है ऐसा, आप देख लेना, एक्चुअली मुझे तमिल आती नहीं है, बट चिन्ना थाला इनको बुलाया जाता था वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया इन विच कंट्री लीड 26 कंट्रीज इन अ काउंटर रैनसम वेयर एक्सरसाइज, यानी कि रैनसम वेयर की जो एक्सरसाइज होने वाली है, इंडिया किस कंट्री के साथ इस मिशन को लीड करेगा? USA के साथ, रसिया के साथ, फ्रांस के साथ, UK के साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। एक्चुअली UK में और भी कंट्रीज आती है, वेल्स आता है, आयरलैंड वगैरह भी इसमें आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? UK के साथ इंडिया जो है इसे लीड करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजनाथ सिंह एस जयशंकर टू विजिट विच कंट्रीज दिस वीक फॉर 2+2 डायलॉग। देखिए सबसे पहले ये 2+2 का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लीजिए आप। 2+2 का मतलब होता है जब फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी अगर साथ में जाकर डायलॉग करते हैं तो उसे 2+2 मीटिंग कहा जाता है। तो कौन से कंट्री को ये विजिट करेंगे? तो इसका राइट आंसर चाइना नहीं होगा, जापान होगा। यहाँ से देख लीजिए, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एस जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि बोलचाल के भाषा में विदेश मंत्री हैं, ये कहाँ जाएंगे? जापान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूक्रेन बाइंग, देखिए ये सॉरी मैंने यूक्रेन बोल दिया, रसिया बाइंग वेपन्स फ्रॉम विच कंट्री फॉर यूक्रेन वॉर। इन्होंने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, अब इनके पास हथियार कम पड़ रहे हैं रसिया के पास। देखिए आयरनी ही बोलोगे इसे आप कि सबसे ज़्यादा ना रसिया सारे अलग अलग कंट्रीज़ को वेपन प्रोवाइड करता था, वेपन बेचता था, अब इसके पास खुद के जो है वेपन कम पड़ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन के लिए रसिया जो हथियार खरीद रहा है किससे? नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया इज द राइट आंसर। नॉर्थ कोरिया के पास कुछ टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ये हथियार ही बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम विच कंट्री परमिटेड टू कंटिन्यू स्टडी एब्रॉड, यानी कि किस देश के मेडिकल, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन हो चुकी है रसिया की, 6-7 महीने भी हो चुके हैं, तो यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है रसिया के द्वारा, तो इनको जो है स्टडी के लिए जो है एब्रॉड यानी कि अलग अलग देशों में ये पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, यूक्रेन ने ऑर्डर जारी कर दिया है। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू कट क्रूड ऑयल सप्लाई, ओपेक, याद रखिए फुल फॉर्म इसका जरूर देख लीजिए, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है और ये कब से आया है लिख लीजिए आप लोग नीचे कमेंट करके, अगर कोई बता दे तो दूसरे की हेल्प हो जाएगी, प्लीज़ ज़रूर कर देना आप। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच सिटी इज फेसिंग अ मैसिव फ्लड ड्यू टू द हैवी रेन। बेंगलुरु में आपको पता ही होगा JCB वगैरह की जो है इमेज आउट हुई थी, जहां पर लोग JCB में जो है ऑफिस जा रहे थे। राजपथ इज सेट टू बी रिनेम्ड एज कर्तव्य पथ, यानी कि राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, एक और नाम को जो है बदल दिया गया है मोदी साहब के द्वारा। तो इस तरह के करंट अफेयर्स की क्लास आज थी। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, ₹399 में मेरे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, ₹100 में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आप देख लो, मुझे मेल या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे @imithunsingh पे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।